ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ मनोकामना पूरी करने के एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपाय के बारे में। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। इसको करने से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी विशेष मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। आप भी इसको करके देखना, आपकी भी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन इस उपाय को करने के लिए कुछ ज़रूरी नियम हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी उपाय करते हैं उस उपाय को सीक्रेट रखिए, मतलब किसी को बताना नहीं है कि हाँ देखो मैंने ये उपाय किया, अब ये वाली विश ना मेरी जल्दी पूरी हो जाएगी, मैंने ना अब ये वाला उपाय कर लिया मेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। मतलब चाहे कोई भी उपाय है, चाहे मैं आज बता रही हूँ, चाहे मैं पहले बताती हूँ, चाहे मैं फिर कभी बताऊँगी, आप उनको सीक्रेट रखिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल देखो ज़माना ऐसे ही है, आप किसी से शेयर करते हो तो कोई किसी की तरक्की से, कोई किसी की खुश नहीं होता कि इसकी तरक्की हो जाए या इसकी ये वाली विश पूरी हो जाए। इसलिए आप अपने इन उपायों को सीक्रेट रखा कीजिए। दूसरी बात, जब भी आप मतलब कोई भी इच्छा पूर्ति वाला, मनोकामना वाला कोई भी उपाय करें, अपनी जो इच्छा है वो मतलब ऐसी रखें कि जो पूरी हो सकने वाली हो, जो लॉजिकल हो। ये नहीं कहना कि अब सूरज पश्चिम दिशा से निकल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और नंबर तीन, आप कोई भी इच्छा मांगें, कोई भी मनोकामना हो वो आपसे जुड़ी हुई हो, मतलब आपके अपनों से हो सकती है, उस मनोकामना में, उस इच्छा में किसी का बुरा बिल्कुल भी ना मांगें। अब मैं बात करती हूँ उस उपाय के बारे में। ये उपाय है एक मैजिकल नंबर के बारे में, वो मैजिकल नंबर है 1176। हाँ जी, इनको एंजल नंबर भी बोलते हैं। इसको करने से आपकी इच्छा पूरी बहुत जल्दी हो जाएगी। इसको, इस नंबर को हमने यूज़ कैसे करना है, इस नंबर को आप दो तीन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर आपने ब्लू पेन से या फिर ग्रीन पेन से, रेड पेन या ब्लैक पेन आपने भूल कर भी नहीं लेना, आप ब्लू या ग्रीन पेन लेकर उस पर आपने लिखना है 1176। फिर उसके नीचे आपने लिखना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, जैसे मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखना है, उसको फ्यूचर में नहीं लिखना कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा नहीं लिखना। मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी जो भी इच्छा हो वो उसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिख दिया। उसके बाद आप फिर नीचे वाली लाइन में आकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा आपने तीन लाइनों में तीन बार लिखना है। इसको आपने लिख कर आप इसको फोल्ड करके आप जैसे मंदिर में रख दीजिए, जहाँ पे कोई इसको देखे ना, इसको कोई मतलब देख ना सके, आप भले ही देखें किसी और को ना पता हो कि आपने ये इच्छा लिख कर आपने यहाँ पे रखी हुई है। इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका है, आप इस एंजल नंबर को ग्रीन या ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, लेफ्ट बाजू पे लिख सकते हो, लेफ्ट लेग पे, मतलब लेफ्ट पोर्शन पे, ऐसी जगह लिखो जहाँ किसी को दिखाई ना दे, कोई पूछे ना कि ये क्या लिखा हुआ है, अपनी लेफ्ट लेग पे लिख लीजिए। आपने 1176 लिखना है, इच्छा नहीं लिखनी, इससे भी आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इस नंबर को यूज़ करने का तीसरा तरीका है इस नंबर का चैंट करना। आपने इसको चैंट करना है 1176 1176, आपने इसको लगातार चैंट करते रहिए। आप जितना जल्दी चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो जाए उतना आप इसको चैंट करते रहिए। अगर आपको इससे ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी कोई छोटी सी इच्छा है, मतलब जैसे कोई करंट में है कि आज आपने कहीं जाना था मूवी देखने, प्रोग्राम बन जाए 1176 आज हम मूवी देखने चले जाएं, जोर जोर से नहीं बोलना, मन मन में बोलना है फिर देखना। जैसे आपका बर्थडे है, आज मुझे ये वाला गिफ्ट मिल जाए। ये छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप खुद भी जानते हो कि कौन सी इच्छा पूरी हो सकने वाली होती है, वही इच्छा मांगिए, आज ही मांगिए इस वीडियो को देखने के बाद, और आपकी इच्छा मैं दावा करती हूँ तुरंत पूरी होगी। बस इच्छा को सीक्रेट रखना। ओम नमः शिवाय।